हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु अंगनवाड़ी सुपरवाइजर पर एक बहुत बड़ नियुक्ति आसी अछि। फाइनल एथि आप्लाय करबा डेट भी आसी जाइछि। आपण माने आज ठारू ही पोस्ट आप्लाय करि परिबे। एथिरे अंगनवाड़ी सुपरवाइजर सहित आरआई अमीन एवं एआरआई पोस्ट में वैकेंसी रहिछि। एथिरे ओडिसा सबु जिल्ला पई पोस्ट होइबो। केउ जिल्ला पई एथिरे केते पोस्ट होइछि से विषय में आपंक ए भिडियो माध्यम रे जणाइबी। फ्रेंड्स सबुठारो बड़ कथा या जे आपण माने निज मोबाइल रे ही एथिरे अप्लाई करेंगे। किपर आपण मैंने अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर फुल प्रोसेस मुझे को वीडियो शेष में जनइबी। जदि आपण मैंने अप्लाई करने इंटरेस्ट रखुं तेब वीडियोटी को शेष पर्यटन देखूँ। चलतु प्रथम आलोचना करने जे कौन रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण मैंने निज जिलार आसूबा यही नुआ नुआ सरकारी जॉबर न्यूज पाइबापी चाहती तेब आम चैनल को सब्सक्राइब करनी एवं वीडियोटी को भी गोटे लाइक कर दिंतु। फ्रेंड्स देखंतु ए नोटिफिकेशन टी ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बा OSSSC तरफ ए नोटिफिकेशन टी आसी अछि। देखंतु एथिरे केउ माने अप्लाई करि परिबे। एथिरे ऑल ओडिशा रो पिला माने अप्लाई करि परिबे। आम ओडिशा रो सबु जिल्ला रो पिला माने एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। जेंडर टी भी बहुत मेल एंड फीमेल रहिछि। उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने भी एही पोस्ट अप्लाई करि परिबे। जदि आमे सैलरी कथा कहिबा तबे 19,900 रु आरंभ करी 56,600 पर्यंत आपण माने एथिरे मंथली सैलरी पाई परिबे, जहाँकि एक बहुत भल सैलरी रहिबो। देखंतु जेहेतु एथिरे डिफरेन्ट टाइप रो पोस्ट होइछि तेणु पोस्ट अनुसार सैलरी भी अधिक रहिबो। जॉबटा भी जहाँकि गवर्नमेंट जॉब रहिबो, सरकारी चाकरी रहिबो, निज जिला भितर ही पोस्टिंगटी रहिबो। यहाँ पर जे पोस्ट नेम तो फ्रेंड्स देखंतु एथिरे पांच प्रकार जॉब रहिछि बा पांच प्रकार पोस्ट होइबो कारण एहो एक कंबाइन रिक्वायरमेंट। एथिरे आरआई बा रेवेन्यू इंस्पेक्टर पई पोस्ट होइछि। एआरआई बा असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर पई पोस्ट रही। अमीन पई वैकेंसी रही। आईसीडीएस सुपरवाइजर बा अंगनवाड़ी सुपरवाइजर पई वैकेंसी रही एवं एसएफएस पई बेथरे वैकेंसी रहिबो। आपणकर क्वालिफिकेशन अनुसार जेकोसी भी पोस्ट अप्लाई करि परिबे। यहाँ पर देखंतु एथिपई कोन सब क्वालिफिकेशन आवश्यक पड़ो। जदि आपणकर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 किमा +3 पास थिबो तबे एथिरे अप्लाई करि परिबे। एथिपाई तो अधिक किसी क्वालिफिकेशन आवश्यक ना। जदि आपंकर 10+2 कि +3 पास थे ये जेकोसी प्रकार पोस्ट भी अप्लाई करेंगे। पांचटी मध्य जेकोसी भी गोटे पोस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ओडिया भाषार नॉलेज जेपरिक आपण मैंने जदि ओडिया भाषा को भल भाव कही पारे, लेखि पारे कि पढ़ी पारे तेब ही पोस्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स पे देखूँ ये पोस्ट में केते वैकेंसी खाली अच्छी। देखूँ आरआई बा रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर मोट ए 562 गोटी पोस्ट खाली रही। एआरआई पर 839 गोटी पोस्ट होती। अमीन पर आपंकर 686 गोटी पोस्ट वैकेंसी रहिबो। यहाँ पर आईसीडीएस सुपरवाइजर बा अंगनवाड़ी सुपरवाइजर पर एथिरे 498 गोटी पोस्ट होती एवं एसएफएस पर एथिरे 258 बा 298 गोटी पोस्ट रही। तो पिलाने जानीपारे क्यों पोस्ट पर केते वैकेंसी खाली अच्छी। देखंतु क्यों जिला पर केते पोस्ट होती से विषय में पीडीएफ रे मेंशन अछि क्लियरली। अप्लाई कला समय मु डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी लिस्ट भी आपन को जणाई देबी। यहाँ पर देखंतु एथि पई कोन सब एज लिमिट रहिबो। जदि आपनकर मिनिमम एज 20 वर्ष वयस होथिबो तेबे पोस्ट अप्लाई करि परिबे एवं मैक्सिमम 38 वर्ष वयस रहिबो। जदि आपनकर कैटेगरी ओबीसी किबा एससी/एसटी किबा पीडब्ल्यूडी बा फिजिकल हैंडिकैप्ट होइथिबो तेबे आपन के एथिरे अतिरिक्त ए सुविधा भी मिल परिबो। यहाँ पर देखंतु एथिपाई कौन सब आप्लिकेसन फी रहिबो। एथिपाई तो 9 फी रही। जेनरल ओबीसी एससी/एसटी सबू कास्ट पिला माने एथिरे फ्री रे अप्लाई करि परिबे कारण समस्त पई फ्री रही। यहाँ पर अछि सिलेक्शन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स देखंतु एथिरे प्रथम तो आपनकर ऑफलाइन एग्जाम रहिबो जाकि आपनकर एमसीक्यू पैटर्न रही। ऑफलाइन एग्जाम रही। देखंतु स्टेज 1 एवं स्टेज 2 एही भली दुईटी एग्जाम रही। आपनकर स्टेज 1 रे आपनकर 100 मार्क रे एग्जाम रहिबो। स्टेज 2 रे आपनकर 180। देखंतु कन्फर्म नाई पीडीएफ रे मेंशन अछि क्लियरली। अप्लाई कला समय ए विषय में आपको जणाई देबी। किंतु जो रही स्टेज 1 एग्जाम हम स्टेज 2 हम यहाँ पर आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो। तो पिला माने एही सब प्रोसेस द्वारा ही आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाई परिबे। फ्रेंड्स जेतेबेले आपण माने एथिरे अप्लाई करिवे अप्लाई कला समय किछि इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रे आवश्यक पड़िबो। तो थोड़ा चेक कर नियंतु जे कोन कोन सब डॉक्यूमेंट रे आवश्यक पड़ुछि कारण यह हूँ एक ऑनलाइन प्रोसेस। तो अप्लाई कला समय निहाती रूपे यही सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो। जदि आपंकर डॉक्यूमेंट सठिक न तो आपंकर फॉर्म टी भी रिजेक्ट हो पारे। तो आपंकर फॉर्म टी रिजेक्ट न हो चेक कर नियंतु। देखंतु प्रथम तो रही आपंकर अल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और तरह मार्कसीट आपने जो पोस्ट भी आप्लाय करेंगे से पोस्ट मागिथ क्वालिफिकेशन पीडीएफ गुडी को अपलोड करेंगे मैट्रिक प्लस टू प्लस थ्री जहाँ भी आपंकर थी क्वालिफिकेशन से क्वालिफिकेशन पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड करेंगे। यापर स्कान होता गोटे फोटो रेसिडेंट सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं सिलेक्शन पर आवश्यक पड़ो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय जदि आपंकर कास्ट सर्टिफिकेट थो जपरिक एससी एसटी किंबा एससीबीसी किंबा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जदि आप माने होइथिबे तो ही आपनको पई कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक पड़ो। यह पर आईडी प्रूफ देखो आईडी प्रूफ रे तीनों ऑप्शन अच्छी जहाँ भी आपंकर आईडी प्रूफ थी से आईडी प्रूफ टी सबमिट करेंगे जेहेतु ये आधार कार्ड आवश्यक पड़ो कारण फॉर्म फिलअप समय रजिस्ट्रेशन समय आधार कार्ड नंबर आपको मागिबो तो पिला माने जदि आपंकर पाखे यही सब डॉक्यूमेंट थी तेरे ये आप्लाई करेंगे। यहाँ पर रही आप्लिकेसन मोड एपाई तो ऑनलाइन प्रोसेस रोज मोबाइल हिं आप्लाई करेंगे स्टार्टिंग डेट जैक स्टार्ट हो सारी अलरेडी आपको एक मासर टाइम मिली आप्लाई कर तो चलतु आउ डेरी नक आलोचना करवा जे आपने किपर ये आप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स एथि आपने किपर आप्लाई करेंगे और क्यों जिलापाई के पोस्ट होती से विषय में आपको फुल डिटेल्स जनइबी तो ये आपने ये भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिनियंतु। प्रथम आपने निज मोबाइल थी गूगल को ओपन करेंगे ओपेन कलापर एठा जो सर्च बार ऑप्शन अच्छे सिंपली सर्च बार ऑप्शन उपर क्लिक करेंगे यहाँ सर्च करेंगे कौन लिखे सिंपली लिखे ओडिशा देन स्पेस ते लिखे जिओविटी देन स्पेस ते लिखे जॉब देन लिखे डॉट देन लिखे इन पे देखिपे मेट्रो कौन टाइप कली सिंपली आपने टाइप करेंगे टाइप कलापर पाखर सर्चर ऑप्शन उपर क्लिक करेंगे तो सिंपली क्लिक करूँ पे देखूँ सर्चर ऑप्शन उपर क्लिक कलापर आपंक सम्मुखें एभली किसी शो हो तो सिंपली आपने जो ओडिशा जिओविटी जॉब साइट आपको देखा जाउथिबो तो सिंपली आपने साइट रो लिंक ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली क्लिक करंतु पिला माने साइट रो लिंक ऊपर क्लिक कला पर आपनको सम्मुख रे एभली किसी इंटरफेस टे आसीथिबो या पर आपण माने तलक तलक स्क्रॉल करेंगे आपन के भिन्न भिन्न कैटेगरी अनुसार जॉब रो ऑप्शन भी शो हो देखंतु आपनको ए मोर जॉब्स जो एठरे लेखा अछि या पर आपनको नुवा नुवा जॉब रो नोटिफिकेशन गुडी को देखिबा को मिलिबो देखो ये RSSC तरफ आसी आरआई एआरआई एवं अमीन रो फुल नोटिफिकेशन टी देखा मिल तो सिंपली आपने आरआई एआरआई एवं अमीन रो नोटिफिकेशन लिंक ऊपर क्लिक करंतु पिला माने देखंतु क्लिक कला परे आपनको सम्मुख रे एही पोस्ट ओपन होइथिबो एठरे पोस्ट सब विषय मेंशन करा जायछि भला भाबरे पढ़ी परिबे मु तो आपनको पूर्वरु कहि सारिछि किसी भी डाउट नथिबो बधे आपनको पाखरे देखंतु तलको तलको स्क्रॉल करी भला भाबरे पढ़ी परिबे देखो ये जो लास्ट डेट रही 25 जनवरी रही आपने 25 जनवरी 2024 पूर्व पोस्ट आप्लाई करेंगे क्वालिफिकेशन कौन रही कैसे वैकेंसी रही से विषय मेंशन अच्छी मुझे आपको पूर्व कही सारी क्यों पोस्ट में कैसे दरमा तार लिस्ट भी मेंशन अच्छी भल भाव पढ़ी पारे देखो क्यों पोस्ट में कैसे दरमा रही से विषय लिखा जाए भल भाव पढ़ी पारे पोस्ट वाइज। यहाँ पर देखो स्क्रॉल करेंगे तलकू तलकू पिलामान देखंतु शेष रे एको इंपोर्टेंट लिंक देखा जीवो एठरे अप्लाई लिंक अछि नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक अछि तो प्रथमे आपण माने ए जो नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक अछि ए लिंक ऊपर क्लिक करंतु। फ्रेंड्स आपण माने से पीडीएफ रे लिंक ऊपर क्लिक कला पर आपनको सम्मुख रे ए ऑफिशियल पीडीएफ टी आसीथिबो देखि परथिबे ए पीडीएफ रे से पोस्ट सब विषय मेंशन करा जायछि जेपर कि केउ केउ पोस्ट में वैकेंसी रहिछि से विषय भी एठरे लेखा जायछि देखंतु इंपोर्टेंट डेट कोन रहिछि ना 30/12 मींस डिसेंबर 30 रु स्टार्ट होई आपनकर डेट रहिछि देखो 30/12 स्टार्ट होती 31/1/2024 पर्यंत यार अपलोड डेट चालू रही जनवरी 31 पर्यंत यार अपलोड डेट चालू रही क्यों क्यों पोस्ट में रही आरआई अंगनवाड़ी सुपरवाइजर एआरआई अमीन एसएफएस यही सब पोस्ट में वैकेंसी रही क्यों पोस्ट में कौन सब दरमा देखंतु क्यों पोस्ट में कौन दरमा रही विषय भी लिखा जाए भल भाव पढ़ी पारे मुझे तो आपको पूर्व भी कही सारी। यहाँ पर रही क्वालिफिकेशन एवं एज क्यों पोस्ट में कौन क्वालिफिकेशन रही आरआई +3 पास होती अंगनवाड़ी सुपरवाइजर पर भी +3 एआरआई आपंकर +2 पास रही 10+2 पास रही अमीन भी आपंकर 10+2 पास रही एफएस भी एसएफएस भी आपंकर 10+2 पास +2 पास ही रही देखिपे मेंशन अच्छे। यहाँ पर एज एज विषय तो मुझे कही यहाँ पर देखो कौन अच्छी एप्लिकेशन फी तो फ्री रही यहाँ पर तलक तलक स्क्रॉल करेंगे। फ्रेंड्स आपने तलक तलक स्क्रॉल कलापर आपंकर एग्जाम विषय देखा मिल देखो मुझे कही फेज 1 एग्जाम हम और फेज 2 भी एग्जाम रही आपको 1 पेपर रही पेपर 1 आपको मैथ जीके इंग्लीश ओडिया रिजनिंग ये आपको 100 मार्क एग्जाम देखा मिल सेकेंड स्टेप रे आपनकर जदि आप माने फेज 1 क्लियर करछंती या पर आपनकर फेज 2 होईची एथिरे आपनकर 180 मार्कर एग्जाम रहिबो। या पर आपनकर प्रैक्टिकल टेस्ट बा स्किल टेस्ट भी रहिची देखि परथबे मेंशन अछि स्किल टेस्ट एथिरे आपनकर कंप्यूटर स्किल जे कि बेसिक कंप्यूटर स्किल रो टेस्ट होइबो 50 मार्कर नेगेटिव मार्किंग भी रहिची। तो पिला माने या थिले यार एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस विषय देखंतु एथिरे मेंशन करैछि भला पर पढि परिबे। यहाँ पर देखो क्यों जिला पे केते पोस्ट होइछि तार लिस्ट भी ए मेंशन कर कहले बेसी टाइम लगे निजे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर चेक करेंगे देखिपे। प्रथम अच्छी आपंकर रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई क्यों जिले में केते पोस्ट अच्छी तार लिस्ट अच्छी अनुगुल ठार आरंभ कर देखते ये लास्ट आपंकर सुंदरगढ़ रही है देखिपे सबू जिलापाई पोस्ट हो चेक करेंगे क्यों जिले में केते पोस्ट हो जनरल मानक केते पोस्ट हो एवं एससी एसटी तार सब इनफर्मेशन ये मेंशन कर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर बा एआरआई केते पोस्ट होईची अंगनवाड़ी सुपरवाइजर केते पोस्ट होईची तार लिस्ट आपन के देखा मिलो। तो पिला माने ए भली भाबरे आपन माने चेक करि परिबे यार पीडीएफ गुडी को देखंतु अनुगुल बरगढ़ भद्रक बालेश्वर बलांगीर सबु जिल्ला पई पोस्ट अछि भला भाबरे चेक करि परिबे एवं अंगनवाड़ी सुपरवाइजर पई कोन वैकेंसी रहिछि केउ जिल्ला पई तार लिस्ट भी एथिरे देखा मिल अमीन भी कौन रही है ता विषय भी देखा मिल। आपने सिंपली पीडीएफ टी को डाउनलोड कर चेक करेंगे। एवं चलते देखने जे आपने किपर अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स देखो ये आपने किपर अप्लाई करने सिंपली बैक आसबे बैक आसला पुनर्बार आपको ये सैट्टी देखा एठे आपको प्रथम ही अप्लाई लिंक देखा मिल। तो सिंपली आपने जो अप्लाई लिंक अच्छी ये अप्लाई लिंक उपर क्लिक करेंगे देखो क्लिक कलापर आपको ये किसी शो हो आपको प्रथम लगइन यहाँ पर लॉगिन पाखे अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन शो हो। तो सिंपली आपने अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखो क्लिक कलापर आपको कंबाइंड रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पे देखो आपको प्रथम ही कंबाइंड रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन देखा मिल जहाँकि आपंकर आरआई अंगनवाड़ी सुपरवाइजर बा आईसीडीएस सुपरवाइजर अमीन एसएफएस रो नोटिफिकेशन देखा मिल। एवं देखो किपर अप्लाई करेंगे आपको राइट साइड एक ऑप्शन देखा रजिस्टर यूजर एवं न्यू यूजर जदि आप माने प्रथम थर पर OSSSC अप्लाई कर तो आपको प्रथम रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर रजिस्टर करने को पड़ो जदि आप पूर्व अप्लाई कर सारी तो न्यू यूजर ऑप्शन पर क्लिक कर अप्लाई करेंगे। तो पिला माने ये अप्लाई करेंगे जदि आपको किसी भी डाउट लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ जदि आप यार फुल अप्लाई प्रोसेस चाहूँगी ताहले भी आपने कमेंट करेंगे कारण जदि मुझको ये वीडियो फुल प्रोसेस करी तो वीडियोटी बहुत लेंदी हो। तो यह थी संपूर्ण इनफॉरमेशन जदि आपको किसी भी डाउट लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे।